हेलो गाइस, मैं हूँ स्वीटी। स्वागत है मेरे चैनल स्वीट लाइफ में। तो गाइस, आज है नवरात्रि और हमारे बंगाली का नवमी। तो आप सब लोगों को नवरात्रि और शुभ नवमी की शुभकामनाएं। तो आप लोगों का पूजा कैसे कट रही है बोलिए। मैं आज ये देखिए ये नया ड्रेस पहनी हूँ, सलवार कमीज देखिए। तो आज अभी थोड़ा हमारे मंदिर में वेलकम पिट मंदिर में डांडिया खेला ये सब हो रही है, तो देखने के लिए जाऊंगी। तो रेडी हो, आधा रेडी हुआ, आधा रेडी होके शाम का पूजा किया। तो पूजा करके इधर थोड़ा सा रंगोली दिया घर के सामने, आप लोगों को दिखाती हूँ। रुके देखिए, मेरा पूजा हुई है। ये देखिए हमारा, मैं रंगोली दिया हूँ, कैसे लग रही है आप लोग जरूर बताना। ऐसे तो गाइस देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ आप लोग जरूर बताना। तो और देखिए मेरा कुटाई भी रेडी हो गए हैं, देखिए कैसी लग रही है देखिए। और इसके साथ ये चुन्नी आया है, देखिए ये बनारसी टाइप का चुन्नी, बहुत सुंदर है। ये कॉटन का है एकदम, कलर का सिल्क का, दो टाइप का मिलता है, सिल्क का कॉटन का, बट कॉटन का अच्छा है देखिए, बहुत सुंदर। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। और देखिए मीशो से मैं जो तो प्लाजो ऑर्डर किया था ना, तो बहुत लेट कर दिया, मतलब ये देखिए प्लाजो भी बहुत सुंदर है, बट मतलब वो मेरा जो ब्लैक कलर का कुर्ती उस दिन पहने थे उसके साथ, तो देखिए बहुत सुंदर। इस साइड पर भी काम है, नीचे भी बहुत सुंदर काम है। 288 में मिला मुझे मीशो से, तो कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो बहुत ही अच्छा है कपड़ा, पर क्या हुआ ना, लेट कर दिया, बहुत लेट कर दिया। अभी आज आई है, अब बोलिए आज आके मेरा क्या फ़ायदा। मैं तो कुर्ती पहन ही लिया, ब्लैक कलर का सॉरी रेड कलर का लेगिंग्स से पहन लिया। तो अभी ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊंगी, सामने ही जाऊंगी, एक जगह सामने जाऊंगी। सामने हमारा तो वेलकम पिट मंदिर है ना, मंदिर में जाऊंगी, मंदिर में जाके उधर आप लोगों को भी दिखाऊंगी डांडिया खेलना और बहुत कुछ हो रही है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। इतना दिन से नहीं गए, तो आज कल से, कल परसों से हो रही है शायद ये डांडिया खेलना। और क्या फूल का कुछ करते हैं हम लोग, पता नहीं नाम क्या है, तो वो ऐसे होता है, जिन लोग तेलुगु वाले हैं आप लोग जानते होंगे शायद, पर मैं नहीं जानती हूँ। देखिए कैसी लग रही है चूड़ी। तो हो गया, मैं रेडी हो गई हूँ। टुडे के पापा आने ही वाले हैं, पर उनका गाड़ी मतलब ओला का गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल खत्म होने वाले थे, उन लोग अब फिर गए ओला गाड़ी पेट्रोल पंप में, पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल भरने के बाद आए। तो चलिए रेडी होकर अभी तो बैठती हूँ, टुडे के पापा आने के बाद जाऊँगी। तो गाइस देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं, अभी जा रहे हैं मंदिर के सामने, देखती हूँ आज होता है कि नहीं। टुडे के पापा बोला कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं। अरे हम लोग हमारे घर पेचनता नहीं गल नहीं तो ठाकुरटा देखतम। तो चलिए जाते हैं मंदिर, अब लोगों को भी दर्शन करवाते हैं माता जी का। मंदिर के सामने आ गए हैं देखिए, पर इधर आज डांडिया खेलना नहीं हो रहा है, क्योंकि कल हो गया था डांडिया खेलना लास्ट है, मुझे पता नहीं उतना, मैं सोची कि आज भी होगा, नहीं हो रहा है, बैड लक मेरा। तो मंदिर दर्शन कर लीजिए भगवान जी को। घर पे आके बैठ गए हम लोग, ज़्यादा दूर तो नहीं गए, सामने ही गए थे। और खाना आजकल मतलब डिनर भी ऑर्डर दे दिया टुटाई के लिए, टुटाई के लिए रोटी, दूध रोटी बना। तो गाइस ये देखिए आज का डिनर क्या क्या हुआ है, कुछ मतलब
बनाया नहीं, सब ऑर्डर किया है। ये है फिश मंचूरियन, ये है पप्पू दाल सांबर, ये तो घर का फिश और आलू देके करी, और ये एक सब्जी, ये टोकू मतलब चटनी टाइप है, और ये रसम, और ये भाजी पापड़ राइस, ये सब है। देखिए दही और दही के पापा दोनों बैट बॉल खेल रहे हैं, अभी रात पे इतना एनर्जी कहाँ से आता है पता नहीं, तो देखते कल जाऊंगी। हाय, तो चलिए आज के लिए बाय बाय, आज का ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। तो अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।